ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, व्रत त्योहारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सावन माह में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत के बारे में। जानेंगे प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष काल कब है, प्रदोष काल का शुभ समय और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का खास शुभ समय, और इस दिन कौन से वह शुभ संयोग बन रहे हैं जिनका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन होगा कि आप वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कई मायनों से बहुत खास होता है, क्योंकि एक तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का शुभ महीना, भगवान भोलेनाथ को पसंद यह महीना। इस महीने में अगर प्रदोष व्रत सोमवार के दिन हो तो आप खुद ही समझ सकते हैं, सोमवार का दिन भी भगवान भोलेनाथ को काफ़ी प्रिय दिन है और सावन का महीना भी भगवान भोलेनाथ का काफ़ी पसंदीदा महीना है। तो दोस्तों, यह महीना पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। पंचांग के अनुसार सावन माह का पहला प्रदोष व्रत 25 जुलाई 2022 को है। आइए अब जानते हैं कि सोमवार के दिन पड़ने वाले इस सावन माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन हम किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, यानी कि पूजन विधि क्या होगी। दोस्तों, सोमवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के लिए साफ कपड़े पहन लें। तत्पश्चात अपने घर के ही पूजा घर में, जहाँ पर भी आप पूजन करते हैं, नित्य कर्म अपना नित्य पूजा जहाँ पर भी करते हैं, उस जगह पर आप भगवान भोलेनाथ के सामने घी का एक दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और दक्षिणा लेकर भगवान भोलेनाथ से अपने व्रत हेतु संकल्प लेना है, और जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना लेकर आप भगवान भोलेनाथ के आगे व्रत का संकल्प लें, और उसके बाद आप पूरे दिन व्रत रखें और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की और शिव परिवार की पूजा करें, और पूजा के दौरान आप दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना होगा। जब भी आप अपना नित्य कर्म घर का पूजन करते हैं, तत्पश्चात आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें, और फिर भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा और बेलपत्र और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा के आगे धूप दीप जलाकर आप प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, और अंत में भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करके, आरती करके आप भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें, जिससे पूजा में जो भी कोई त्रुटि रह गई हो, जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार आप पूजा का समापन करें। तो दोस्तों, आइए आप जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है और पूजा का शुभ समय क्या है। दोस्तों, सावन त्रयोदशी की तिथि 25 जुलाई 2022 को दोपहर 4:15 से प्रारंभ होगी तथा इसका समापन 26 जुलाई 2022 को 6:46 शाम को होगा। यानी कि सावन त्रयोदशी की तिथि 25 जुलाई 2022 को प्रारंभ होगी दोपहर में 4:15 से, और इस तिथि का समापन 26 जुलाई 2022 को सायं 6:46 पर होगा। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत का जो पूजन मुहूर्त है, वो सावन का जो पहला प्रदोष व्रत है वो 25 जुलाई 2022 को सोमवार को किया जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त
शाम को 7:17 से प्रारंभ होगा और रात को 9:21 तक रहेगा। इस समय में आप भगवान का पूजन अर्चन करें। जो भी पूजा की विधि आपको इस वीडियो के द्वारा हमने बताई है, इस विधि से आप पूजन करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, यही खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल पाए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस को ऑल कर लें, जिससे हमारे आगामी इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।